हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन आरशे एजुकेशन हब ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज अपन जो बात करने वाले हैं, अपना जो चैप्टर फर्स्ट है उसी का टॉपिक जो चल रहा था अपना, चट्टानों का अपचय, और इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। और उसके अंदर आज बात करने वाले हैं जैविक अपचय की। किसकी बात करेंगे? जैविक अपचय के बारे में। पिछली वाली क्लासों में अपन ने बात किया था जो अपचय होता है दो तीन टाइप का है। फर्स्ट वाला कौन सा? भौतिक अपचय है। और दूसरा कौन सा है? रासायनिक अपचय है। और तीसरा कौन सा आज पढ़ने वाले हैं? जैविक अपचय। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जैविक बायोलॉजिकली रूप से चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उसी की अपन बात कर लें। बायोलॉजिकल डिस्ट्रॉय जो होता है चट्टानों को किस प्रकार से होता है, इसमें तीन कारक मुख्य रूप से आते हैं। सबसे पहले अगर जैविक अपचय के पहले कारक की अपन बात करें तो वो कारक आपके पास में है प्लांट्स, जीव जंतु जो होते हैं, ये चट्टानों को तोड़ने में कैसे सहायता करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, कई जीव जंतु जो होते हैं, जिस टाइप से अपने पास में चट्टान है, ये वाली चट्टानें बनी हुई, इन चट्टानों में क्या कर लेते हैं, कई जैविक जो कीड़े वगैरह होते हैं या कई पक्षी वगैरह होते हैं, वो इन चट्टानों के अंदर क्या कर लेते हैं, घोंसले वगैरह बना लेते हैं, या इन चट्टानों के अंदर क्या कर लेते हैं, कई खतरनाक जीव वगैरह चट्टानों के अंदर बिल बना करके रहते हैं। तो क्या करते हैं ये, धीरे धीरे उन चट्टानों में क्या करते हैं, उनको क्षण करने का काम करते हैं। और अगर बात करें जीव जंतु मनुष्य की, अगर बात करें तो कहीं पर अगर बाढ़ या चट्टानें वगैरह आ गई हैं, सड़क वगैरह का निर्माण करना है, बांध का निर्माण करना है, तो क्या करेंगे, चट्टानों को वहां पर तोड़ा जाता है। ये जो प्रक्रिया है मोस्टली क्या है, चट्टानों को तोड़ के जल के स्रोत बना दें अपने को, कहीं पर भी तालाब वगैरह बनाना है, सरोवर है उसको बनाना है, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, चट्टानों को उसको तोड़ा जाता है, पत्थरों को वहां से ड्रिलिंग की जाती है। ये जो सारी प्रक्रिया है किसमें आती, जीव जंतु जो पौधे वगैरह होते हैं, कहीं कहीं पर प्लांट भी उगाते हैं, अपन देखते हैं मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो भी चट्टानों के बीच में उग करके आ जाते हैं। जब जैसे जैसे प्लांट की वृद्धि होती जाती है तो क्या करेगा, प्लांट की वृद्धि होगी तो क्या करेगा, चट्टानों के अंदर फैलता जाएगा टेढ़ा मेढ़ा होकर के, उन चट्टानों को वहां से किस खाने का काम करेगा। और जब चट्टाने एक बार है वहां से किस खाना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो उनका टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ये जीव जंतु हैं, ये जैविक कारक के अंदर आते हैं। पहला कारक अपन ने जो पढ़ा है वो जैविक जीव जंतु किस प्रकार से उनको तोड़ने का कार्य करते हैं, कि होल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इनमें छिद्र बना लेते हैं, ये टेढ़े मेढ़े जो अपने प्लास में प्लांट है, ये प्लांट जो वगैरह होते हैं, ये प्लांट इसके अंदर उगाते हैं, इनकी जड़ें वगैरह जो होती हैं वो लंबी लंबी होकर इसके अंदर से इन प्लांटों की ये जड़ें हैं, ये जड़ें इसके अंदर फैल जाती हैं और उसको कमजोर करने का कार्य करती हैं। ये पहला कारण है जीव जंतु और पौधे कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरा अपने पास में स्टूडेंट्स है, वो दूसरा पॉइंट अपने पास में है वो कौन से, जीव जंतुओं के अलावा से कौन कौन से हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, जीव जंतुओं के अलावा। देखिए जीव जंतुओं के अलावा अपने पास में जो दूसरा अपने पास में मेन पॉइंट है वो अपने पास में जैविक कारकों में, वो अपने पास में बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं सूक्ष्म जीव, क्या कहते हैं इसको, सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव होते हैं ये भी इसको प्रभावित करते हैं। जैसे अपने पास में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन है, बैक्टीरिया, इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग के जो अपने पास में जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ये तो चट्टानों के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक जो पदार्थ पाए जाते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को, पोषक जो पदार्थ होते हैं इन कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। अब इन कार्बनिक पदार्थों को अगर ये ग्रहण कर लेंगे, कौन, एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया वगैरह, तो कार्बनिक पदार्थ अपन ने पढ़ा था 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, मुख्य अवयव रूप से अपन देख कार्बनिक पदार्थ हैं। अब कार्बनिक पदार्थ इन लोगों ने ले लिया, खा गए यहाँ से, तो क्या होगा, चट्टानें कमजोर हो जाएंगी, उनका चट्टानें कमजोर होगी तो क्षरण होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो मुख्य रूप से अपन देखें तो ये जो अपने पास में ये सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, कार्बनिक जो पदार्थ हैं, इनको भी ये तोड़ने का कार्य यहाँ पर किया जाता है, ये मुख्य रूप से इसमें कारक आते हैं। और एक अपन बात करें इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनका प्रभाव के अपन बात कर ही चुके हैं, जीव जंतुओं की बात करें तो ये अपने ही देख चुके हैं, प्लांट जो अपने पास में वो कैसे प्रभावित करते हैं ये भी अपन इसके अंदर देख चुके हैं। तो मुख्य रूप से अपन देखा जो कार्बनिक अम्ल है वगैरह है ये भी यहाँ पर इसको प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर आते हैं। तो मुख्य रूप से ज्यादा नहीं, इसमें दो ही या तीन ही कारक इसके अंदर पड़ते हैं। जीव जंतु कैसे प्रभावित करते हैं,
या दूसरा कार्बन बढ़ाए थे, पौधे कैसे प्रभावित करते हैं, तीसरा कार्बन कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव होते हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं, या सूक्ष्म जीव जंतु एक जगह पर बात कर ले जीव जंतु पौधों की, या सूक्ष्म जीव माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये माइक्रोराइजा वगैरह है, ये एक्टिनोमाइसिटीज जो अपने पास में है, ये कवक वगैरह जो होते हैं, ये कवक वगैरह होते हैं, ये चट्टानों को तोड़ने के अंदर कैसे हेल्पफुल होते हैं, कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर लेंगे, जो कार्बनिक पदार्थ ही चट्टानों के अंदर नहीं रहेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे, और जब कमजोर हो जाएंगे तो पानी के साथ या दूसरे रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से क्या हो जाएंगे, उनका अपचय होना है, टूटने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी। तो ये मोस्टली अपन ने देखा है कि भौतिक और रासायनिक अपचय के आधार पर चट्टानों का जो अपचय होता है कितने प्रकार से अपन देखा है। तो टोटल अपन टॉपिक की अगर बात करें सार रूप में अपन देखें तो चट्टानों का जो अपचय स्टार्ट अपन ने किया था स्टूडेंट्स वो तीन प्रकार से अपन ने किया था, भौतिक रूप से कैसे होता है, रासायनिक रूप से कैसे होता है, और जैविक अपचय किस प्रकार से होता है, इसकी बातें अपन ने यहाँ पर की है। ओके, ये अपन ने देखा चट्टान को किस प्रकार से अपन अपचय कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले अपचय जो होता है सो कौन कौन से कारक है उसको प्रभावित करते हैं, उन कारकों की बात अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।